हेलो नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर और आपकी अपनी हिंदी क्लास में। साथियों, बात कर रहे हैं अपन सहनाई बैच की और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं भाषा और बोली। तो मैंने लास्ट क्लास में आपको भाषा के थोड़ी सी परिचय की, भाषा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है ना, और इसकी कुछ विशेषताओं पर बात हुई और साथ में मैंने आपको एक टेबल दी कि भाई इसका जो विकास हुआ है ये कैसे हुआ है। तो साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि जो इसका ऐतिहासिक विकास है वो कैसे हुआ है और वहां से बनने वाले प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए कि यहां हमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है। साथियों, ना देखो, अगर साथियों यहां हम बात करते हैं किसकी, भाषा के इतिहास को लेकर के, तो आप पाओगे यहां कि भाई इसका जो ऐतिहासिक दृश्य विकास हुआ है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। मैंने आपसे कहा था कल कि भाई हमें क्या देखना होता है, हमें देखना होता है कि हमारी जो भारतीय आर्य भाषाएं थी, हमारी जो क्या है, हमारी जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं इनको हमें बांट के पढ़ना है ना। तो इस टेबल को साथियों हम बहुत ध्यान से पढ़ने वाले हैं, है ना। देखो क्या है भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इसको सबसे पहले हमने क्या किया है, तीन हिस्सों में हम बांटने वाले हैं, राइट, है ना। ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रहेगी टेबल। यहां मिलेगी हमारी जो मिलेगी हमें साथियों वो कौन सी मिलती है बेटा, वो मिलेगी प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है ना, प्राचीन आर्य भाषा, ओके। फिर हमारे पास क्या मिलती है, तो आप सभी को पता है कि यहां हम बात करते हैं मध्यकालीन आर्य भाषा की, राइट। ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास है मध्यकालीन आर्य भाषा, ओके। और साथियों फिर हम बात करते हैं किसकी, तो हम बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषा की। पॉइंट तीसरे साथियों हम बात करेंगे क्या, हम बात करेंगे आधुनिक आर्य भाषा की, आधुनिक आर्य भाषा की, ओके। अब क्या होगा, तो हमने आपसे कल भी बात की थी कि यहां हमने क्या किया है, यहां आप पाओगे अर्थात प्राचीन हमारे पास जो क्या है प्राचीन आर्य भाषा है, यहां आप पाओगे कि भाई यहां जो है ना दो प्रकार की चीजें एक साथ मिलता है हमें, क्या हमारे पास साथियों क्या मिलती है, यहां मिलती है संस्कृत, और साथियों इस संस्कृत को हम क्या करते हैं दो पार्ट में बांट देते हैं, एक को कहते हैं हम क्या वैदिक संस्कृत और एक को बोलते हैं अपन क्या, एक को बोलते हैं लौकिक संस्कृत। एक क्या बोलेंगे वैदिक और एक क्या होगी लौकिक संस्कृत होगी, राइट। अब देखिएगा इसके बाद हमारे पास साथियों क्या हुआ, तो मध्यकालीन हमारे पास पाली आई, हमने आपसे बात की थी, फिर हमारे पास क्या आ गई प्राकृत आ गई हमारे पास, फिर हमारे पास क्या आएगी तो अपभ्रंश हमारे पास आएगी, फिर साथियों हमारे पास क्या आएगी तो अवहट्ट हमारे पास जो है तो आएगी। ये इसका क्या है भाई, इसका ये विकास हुआ है ना। और साथियों हमारे पास जो रहेगी अवहट्ट के बाद हमारे पास क्या आती है, तो आधुनिक आर्य भाषा में हमारे पास जो है हिंदी आती है निकल करके, क्या आएगी हिंदी आएगी। साथियों इस हिंदी को हम कह सकते हैं कि भाई ये जो हमारे पास है ये प्राचीन हिंदी है, क्या है प्राचीन हिंदी है, है ना। और इस बेसिकली ये हिंदी थी, फिर हिंदी को हम तीन भागे बांट रहे हैं, प्राचीन हिंदी, फिर हमारे पास क्या रहेगी, फिर हमारे पास जो है मध्यकालीन हिंदी, फिर हमारे पास क्या रहेगा मध्यकालीन हिंदी, और साथियों अंत में हमारे पास क्या है, तो हमारे पास क्या है आधुनिक हिंदी की हमारे पास जो है तो बात होती है, आधुनिक हिंदी की जो है तो बात होती है, राइट। तो ये आप देखिएगा ढंग से, ये क्या हुआ ना, ये चार्ट है। ऐसे जब अपन को क्रम से पढ़ना है, कहां से हम पढ़ेंगे वैदिक संस्कृत से, राइट। हम कहां से पढ़ेंगे साथियों, हम पढ़ने वाले हैं वैदिक संस्कृत से, है ना, और वहां से बनने वाले फैक्टों की बात करते साथियों अपन जो है तो आगे बढ़ने वाले हैं, राइट। देखिएगा साथियों शुरू करते हैं आगे और देखिएगा एक एक पॉइंट, थोड़ी सी क्लास जो अपनी है छोटी रहने वाली है लेकिन आप बहुत कंटेंट से भरी साथियों आपको क्लास मिलने वाली है ना। देखिए अगर हम बात करते हैं यहां किसकी, अगर साथियों यहां से हम बात करते हैं अपनी किसकी, वैदिक संस्कृत की। किसकी बात करते हैं साथियों, हम सबसे पहले बात करेंगे वैदिक संस्कृत की। देखिएगा नाम से स्पष्ट है, एक तो भाई इसके टाइम पीरियड की बात होगी आपसे कि जो हमारी प्राचीन आर्य भाषाएं हैं उसमें हमारे पास जो वैदिक संस्कृत है इसका जो टाइम पीरियड है ये क्या है, तो वैदिक संस्कृत वही है जो आपने पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा 1500 से बीसी से, माने 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का साथियों जो समय है उसे हम मानते हैं कि वो क्या था, उसे हम मानते हैं कि ये क्या है, ये वैदिक संस्कृत का जो है तो समय है, राइट। साथियों
वैदिक जो नाम है ना, सुनिएगा ध्यान से, वैदिक जो नाम है इसका नाम वैदिक क्यों पड़ा होगा? तो बड़ी स्पष्ट और आसान सी बात है कि वैदिक का सिंपल सा मतलब है वेदों से संबंधित। तो वेद धन इक से बना हुआ है, क्या बना हुआ है? शब्द वैदिक। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? इसका सिंपल अर्थ होता है क्या? वेदों से संबंधित। तो वेदों की रचना होने के कारण ही इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया वैदिक संस्कृत। तो बेटा इसमें क्या हुआ, वेदों का, वेदों की रचना, वेदों की रचना जो हुई साथियों, किसकी? वेदों की, वेदों की रचना साथियों हुई कहां? वो हुई आपकी वैदिक संस्कृत में। इसीलिए इसे हम वैदिक संस्कृत जो है तो कहा जाता है। आपको पता है हाँ कि भाई वेद हमारे पास जो होते हैं, वेद हमारे पास साथियों जो होते हैं, इनकी संख्या निकल करके चार आती है। वेदों की साथियों जो संख्या है ये चार निकल कर आएगी। इसी भाषा में साथियों हमारे क्या लिखे गए हैं? लिखे गए हैं पुराण। क्या लिखे गए हैं साथियों? लिखे गए हैं पुराण। और यहां आप देखोगे कि हमारे पास चार वेद और 18 पुराण की जो है तो बात होती है। इसके अलावा साथियों हमारे पास वेदांगों की जो भाषा है, वेदांग साथियों जो कितने हैं, जो हमारे पास 6 निकल करके आते हैं, इनकी भाषा भी क्या है? इनकी भाषा भी जो है तो वैदिक संस्कृत है। इसी प्रकार साथियों हमारे पास आते हैं उपनिषद। क्या? उपनिषद। और आपको पता है उपनिषदों की साथियों जो संख्या निकल के आती है, ये निकल के आती है 108 अर्थात 108। ओके, तो मतलब वैदिक संस्कृत में केवल वेद ही नहीं लिखे गए, अपितु आप देखोगे तो वेद, पुराण, वेदांग, उपनिषद ये सब भी लिखे गए हैं। इन सब की साथियों जो भाषा है, उस भाषा को हम बोलते हैं क्या साथियों? उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? वो हमारी है वैदिक संस्कृत है, राइट। अब देखिएगा एक मिलता है इसे कि भाई इसे साथियों किस नाम से जाना जाता है। एक फैक्ट बनेगा यहां से कि वैदिक संस्कृत को हम किसी और नाम से भी जानते हैं क्या? तो साथियों इसका अन्य नाम निकल करके आता है। इसका साथियों जो अन्य नाम है ना, वो नाम है छांदस। क्या है इसका? इसका साथियों जो अन्य नाम है वो नाम क्या है साथियों? तो वो नाम आपका जो रहेगा वो रहेगा छांदस, है ना। तो वैदिक संस्कृत को छांदस भी कहा जाता है। और साथियों ये जो नाम दिया गया है छांदस, ये नाम दिया गया है यास्क और पाणिनि द्वारा। यास्क और पाणिनि साथियों ये दो आचार्य हैं, यास्क और पाणिनि। कौन? यास्क और पाणिनि साथियों ये दो आचार्य हैं। इन आचार्यों ने क्या किया है, इसे क्या कहा है? इसे कहा है छांदस। साथियों वैदिक संस्कृत से अगर प्रश्न आपके बनने वाले हैं तो वो आपके इतने ही बनने वाले हैं। इसके बाहर जो है तो आपका कोई भी साथियों जो है तो फैक्ट आपका नहीं जाता है, राइट। साथियों बढ़ेंगे आगे तो हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे लौकिक संस्कृत की। हम बात करेंगे किसकी साथियों? हम बात करेंगे लौकिक संस्कृत की जो है तो बात करेंगे, राइट। लौकिक संस्कृत की जो है तो हम बात करने वाले हैं। ओके, देखिएगा लौकिक का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर ऐसी कोई भाषा जो क्या है, जो लोक से संबंधित है। और लोक माने क्या? लोक माने संसार, जन सामान्य की भाषा है। लोक का अर्थ क्या है आपको? लोक माने क्या होता है? तो भाई लोक का सिंपल सा मतलब होता है कि संसार, ठीक है ना। तो लोक लोगों की भाषा थी, आप इसे ये भी कह सकते हैं ना। तो इसलिए इसे हमने क्या कहा? इसे हमने कहा लौकिक संस्कृत, हमने इसे कहा। आप इसे ये भी कह सकते हैं, मान लीजिए प्रश्न आपका बनता है यहां से कि भाई संस्कृत के अपभ्रंश को क्या कहा गया? तो भाई संस्कृत के अपभ्रंश को ही, संस्कृत के अपभ्रंश, देखो अपभ्रंश माने क्या? टूटा फूटा हिस्सा, है ना। संस्कृत के अपभ्रंश को, संस्कृत के अपभ्रंश को, अपभ्रंश को क्या कहा गया? तो इसे कहा गया अपभ्रंश को लौकिक संस्कृत कहा गया, लौकिक संस्कृत कहा गया। तो ये आपका क्या रहेगा? एक इंपॉर्टेंट लाइन रहेगी, है ना। सुनिएगा भाई, जन सामान्य की भाषा रही होगी। और प्रश्न साथियों जो बनेंगे अब वो यहां से बनेंगे भाई इसमें कौन से साथियों जो ग्रंथ हैं वो लिखे गए, है ना। समझिएगा इस भाषा में साथियों आप देखोगे दर्शन शास्त्र, क्या दर्शन शास्त्रों के साथ जो भाषा है वो आपकी क्या है? वो आपकी लौकिक संस्कृत की है। आप देखोगे कि भाई यहां जो हमें मिलते हैं अलंकार शास्त्रों की भाषा, कौन सी भाषा? अलंकार शास्त्रों की भाषा, अलंकार
अलंकार शास्त्रों के साथ में भाषा जो मिलती है वो क्या मिलती है हमें, वो मिलती है लौकिक संस्कृत की, है ना। आयुर्वेद ग्रंथ कौन से ग्रंथ साथियों, यहां से बनते हैं आपके क्या, आयुर्वेद ग्रंथ साथियों। और आयुर्वेद ग्रंथों की साथियों जो भाषा थी आपकी वो कौन सी है, तो ध्यान दीजिएगा वो भाषा आपकी निकल करके यहां आती है कौन सी, वो आती है आपकी लौकिक संस्कृत निकल करके यहां आती है, राइट। चलिए भाई अब देखिएगा, लेकिन इसी के साथ साथ साथियों दो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो हमारे हैं वो लौकिक संस्कृत में लिखे गए, और वो कौन कौन से हैं, तो वो है रामायण और महाभारत, है ना। सुनिएगा ध्यान से, तो इसमें साथियों जो है ना ये दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं, एक मिलता है रामायण और दूसरा साथियों जो होगा वो क्या होगा, तो वो होगा महाभारत। इन साथियों इन दोनों महान ग्रंथों की जो भाषा है उसे हम कहते हैं क्या, उसे हम कहते हैं कि इनकी भाषा कैसी है, इनकी भाषा जो है लौकिक संस्कृत है, राइट। देखिएगा अभी यहां से बनेंगे प्रश्न किससे, रामायण और महाभारत से कई बार प्रश्न जो है तो बन जाते हैं, इसलिए साथियों जो है ना मैं आपको यही उन फैक्ट को अपन यही जो है तो ऐड कर देते हैं, राइट। सुनिएगा ध्यान से, देखो जो हमारे साथ जो रामायण है इसके रचयिता जो व्यक्ति हैं उन्हें हम कहते हैं वाल्मीकि, क्या बोलते साथियों, इनको हम बोलते हैं वाल्मीकि, ठीक है ना। और सुनिएगा वाल्मीकि को हम आदि कवि कहते हैं, वाल्मीकि का साथियों जो उपनाम निकल करके यहां आता है इन्हें हम क्या कहते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं आदि कवि, क्या कहते हैं आदि कवि कहते हैं, राइट। वाल्मीकि को हम क्या बोलते हैं आदि कवि, रामायण साथी बोलते हैं अपन क्या आदि ग्रंथ, क्या बोल साथी बोलते हैं इसको हम बोलते हैं आदि। देखो आदि का अर्थ क्या होता है, पहला, क्या पहला, और आदि कवि मतलब क्या हुआ भाई, कविता जो लिखने का कार्य शुरू हुआ, श्लोकों की जो शुरुआत हुई वो कहां से हुई, वो आपकी हुई रामायण से, इसलिए रामायण जो है साथियों क्या कहते हैं हम इसे, हम आदि ग्रंथ जो है तो कहते हैं, ठीक है। तो ये दो फैक्ट किसके बारे में, रामायण के बारे में, रचयिता कौन है, वाल्मीकि है, और साथियों इनको हम आदि कवि कहते हैं, है ना, और रामायण को हम आदि ग्रंथ कहते हैं, ठीक है ना। देखो रामायण में आप देखोगे कि 24,000 श्लोक हैं, सुनिएगा इनके जो फैक्ट है रामायण के, आप देखोगे कि रामायण में 24,000 श्लोक हैं, ओके, रामायण में 24,000 श्लोक हैं, राइट। 8 सर्ग हैं, माने 8 सर्ग माने 8 अध्याय हैं, 8 चैप्टर हैं, इसलिए रामायण क्या है भाई, रामायण महाकाव्य है, आप जानते होंगे, है ना। रामायण क्या चाहती हूं, रामायण महाकाव्य मिलता है। और अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न मान लीजिए कहीं बन जाता है कि रामायण साथियों जो लिखा लिखी गई है वो कौन सी छंद में लिखी गई है, तो आप हमने पढ़ रखा है एक वंशस्थ छंद के बारे में, किसके बारे में, वंशस्थ, वंशस्थ छंद के बारे में, तो रामायण साथियों जो है ये वंशस्थ छंद में लिखी गई है, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, रामायण से बनने वाले प्रश्नों के बारे में। साथियों अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं महाभारत, सुनिएगा महाभारत के बारे में साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य अगर कोई है साथियों वो क्या, हमारा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य वो आता साथियों क्या, वो निकल करके यहां आता है क्या, महाभारत निकल करके आता है, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो वो है महाभारत। साथियों इसके जो रचयिता हैं वो है महर्षि वेदव्यास, कौन है, महर्षि वेदव्यास, इसके क्या हैं, महर्षि वेदव्यास साथियों, वेदव्यास जो है इसके क्या हैं, रचयिता हैं किसके, महाभारत के। और आपको पता है कि महाभारत में 18 पर्व हैं, माने कुल 18 अध्यायों की बात होती है, 100,000 श्लोक हैं, क्या है साथियों इसके जो है, तो इसमें 100,000 श्लोक हैं देखने को मिलेंगे आपको, है ना, ठीक है, इतने हैं तो बेटा इसमें 100,000 श्लोक देखने को मिलते हैं, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। देखो महाभारत के आपको 3 नाम मिलेंगे, एक मिलता है पहले क्या, जय संहिता, क्या है, जय संहिता साथियों मिलता है, फिर मिलता है इसका नाम भारत मिलता है, और फिर इसका नाम क्या हुआ, जैसे ही लोगों की संख्या 100,000 होती है तब जो इसका नाम है मिलता है क्या,
मिलता है महाभारत। तो इसके साथ ही श्लोकों की संख्या के आधार पर इसके जो है तीन नाम मिलते हैं हमें, जय संहिता, भारत और महाभारत। तो ये आपके फैक्ट बनते हैं कहां से, लौकिक संस्कृत से बनने वाले हैं। ओके चलिए भाई आगे चलते हैं बिना समय गवाए, सीधे बात करते हैं पॉइंट की हम साथियों। और देखिएगा ढंग से यहां, अब साथियों जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे पाली भाषा की। अर्थात साथियों हम कहां आ चुके हैं, हम जो है हम यहां आ चुके हैं अगर आप देखोगे तो मध्यकालीन आर्य भाषा में। राइट, देखिएगा ढंग से हम बात करेंगे पाली की। किसकी बात करेंगे साथियों, हम बात करेंगे पाली की आपसे अब। ठीक है, पाली भाषा के बारे में, इससे बनने वाले फैक्ट और इसके बारे में हमें क्या क्या बात जो है पता होनी चाहिए। राइट, पाली के बारे में है ना साथियों, पाली के बारे में जानेंगे हम। लेकिन उसके पहले साथियों जो है हम यहां आपसे थोड़ी सी बात करेंगे एक इंफॉर्मेशन को लेकर के। और वो इंफॉर्मेशन साथियों जो है वो कुछ इस तरीके से है कि आप अगर अपनी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप में शानदार वीडियो कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो आप यहां से जाकर के कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं, चाहे आप एमबीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप तैयारी कर रहे हो एमबी पटवारी की, चाहे जेल प्रहरी की, असिस्टेंट ग्रेड थ्री की, कांस्टेबल की, या किसी भी वनडे एग्जाम की, चाहे वह परीक्षा आपकी राज्य स्तरीय हो या आपकी केंद्र स्तरीय हो, है ना, बेहतरीन कंटेंट के साथ शानदार क्लासेस आप यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों क्लास ज्वाइन करने में किसी भी प्रकार की जो समस्या हो अगर आपको आ रही हो तो ये नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर जो है तो कॉल करके अपनी जो दुविधा संकट आपकी है आप उसका समाधान कर सकते हैं। साथियों इस क्लास के साथ आपके सिलेक्शन के लिए अनिवार्य जो भी चीजें होंगी वो सब आपको यहां मिल रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं फ्री अभ्यास प्रश्न की, ये भी मिलेगा आपको। हम बात साथियों करें अगर मॉक की तो मॉक भी मिलते हैं आपके साथियों। अगर हम बात करते हैं डाउट की तो डाउट भी आपको मिलने वाले हैं। तो ये साथियों सब कुछ भी माने जो कुछ भी आवश्यक है तैयारी में वो सब कुछ भी आपको कोर्स साथ मिलता है। राइट, आपको ज्वाइन करना है, अपनी तैयारी को बेहतर करना है। आइए वापस आते साथियों, ये क्लास आपकी थोड़ी सी छोटी थी और इस क्लास को अपन यही विराम करते हैं, है ना। और कल से प्रॉपर क्लास आपको मिलने वाली है। तो अंत में हम बात करेंगे अपने डेली शेड्यूल की। साथियों ये अपना शेड्यूल होता है जहां आपको लगातार क्लास मिलती है सुबह से लेकर के शाम तक। हम पढ़ते हैं 11 से 12 कंप्यूटर, 12 से 1 आप पढ़ते हैं मैथ्स, ऐसे साथ क्रम से आपकी हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया आपको समय जो है याद रखना है। शानदार सारी क्लास होती है ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर की जा रही है। तो इसका आप लोगों को लाभ लेना है, अपनी तैयारी को बहुत शानदार करते हैं करना है ना। मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में यानी कि कल ठीक 11 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंदू।